राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक श्री मोहन भागवत जी आज होशियारपुर पहुंचे। यहां उन्होंने डीएवी स्कूल होशियारपुर की ग्राउंड में स्वयं सेवकों को संबोधित किया। इस अवसर पर श्री मोहन भागवत जी ने कहा कि पूरे राष्ट्र को एक सूत्र में बांधना ही स्वयं सेवकों का लक्ष्य है, इसके लिए हमें बिना रुके चलना होगा। उन्होंने कहा कि इस मार्ग में चलते हुए अनेक बाधाएं भी आएंगी, परंतु हमें उनसे बिना घबराए आगे बढ़ते रहना होगा। राष्ट्रीय स्वयं सेवक वो होता है जो स्वयं की प्रेरणा से माता की सेवा को समर्पित हो। इस भाव को हमें सभी में जागृत करना है, तभी राष्ट्र हित में हम सब कार्य कर पाएंगे और हमारा हर वर्ग, हर समाज, हर समुदाय को एक सूत्र में बांधने का सपना संपूर्ण होगा। इस अवसर पर क्षेत्रीय संघ चालक बजरंग लाल गुप्त तथा जिला संघ चालक अशोक चोपड़ा जी विशेष रूप से उपस्थित थे। कैमरामैन लखविंदर लक्की के साथ संदीप डोगरा और भूपेश प्रजापति की रिपोर्ट। क्योंकि किसी कार्य की जब उपेक्षा होती है तो कार्यकर्ता जानते हैं कि अगर हमने इस कार्य की उपेक्षा की तो कार्य बढ़ेंगे नहीं, हमको तो लगे रहना पड़ेगा। पर इस क्योंकि इस कार्य को देखने वाला, पूछने वाला दूसरा कोई नहीं, इसकी चिंता पूरी तरह हमको करनी पड़ेगी। तो कार्यकर्ता जानता है कि विरोध का निमित्त हम लोगों से न मिले इसकी आवश्यकता है, हमारी कमियां ढूंढकर हम पर पड़ा दिए जाएंगे, तो हमें कोई कमी न रहे, हमारा कार्य ठीक से आगे बढ़े, विरोध के बावजूद बढ़ता रहे, इसके लिए संकल्पबद्ध कार्यकर्ता जी जान देख कर देता है। जितना विरोध प्रकट उतना कार्यकर्ता की जिद भी प्रकट हो जाए, परंतु अनुकूलता के समय में न उपेक्षा है विरोध है जो कार्यकर्ता को जगाए रखती है। सर्वत्र अनुकूलता